लद्दाख एक्सप्रेस चैनल हंगामा रसूल मोहम्मद मूसा कमिश्नर सेक्रेटरी पदमावे करगिल जिक्सको रिक्योतिन जगमंगी जिक्सको रिता छाना दिरी डिग्री कॉलेज करगिल के लिप्सुतिन ग्राफिक डिजाइनिंग ना हैंड एम्ब्रॉयडरी कोर्स डुले नेता अल्तेमिंग ना छाना मैम यरी करगिल जिक्सको रिता फसंग स्किल डेवलपमेंट नजम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गसोसु गोम्बर देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर स्किल को इंटीग्रेट करना एजुकेशन से बहुत ज़रूरी है और हर यूथ को एक स्किल प्रोवाइड करना ये एक हमारा मैंडेट रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। तो इस साल हम लोगों ने 23 में लास्ट ईयर स्टार्ट किया था स्किल सेंटर्स हमारे चार कॉलेजेस में और GTC करगिल में मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर हमारे चार कोर्सेज हैं स्किल कोर्सेज जो बच्चों की डिमांड के हिसाब से बने थे। सो आज हमने देखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स और एम्ब्रॉयडरी का कोर्स और ये दो कोर्सेज शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में आउटसाइड स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए भी खुला है। तो मैं प्रिंसिपल GTC करगिल के लिए बहुत आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने विंटर्स में ये कोर्सेज कंटिन्यू किए ताकि करगिल के जो यूथ हैं वो भी बेनिफिट हो सके स्किल सेंटर से और ऐसे स्किल्स ले सके जिनमें उनको इंटरेस्ट है। चलो मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी दर स्टेटस मैम यानी इम्प्लीमेंट अच्छा तो मैं नहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुका है। देखिए सबसे पहले उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी कि बच्चों के पास फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्रेडिट्स किस सब्जेक्ट में ले और किस स्किल्स में ले। जैसे स्किल्स के लिए भी 3 क्रेडिट्स मिलते हैं तो यहाँ पे अभी जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं जो स्किल सीख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी के फॉर एग्जाम्पल उनको 3 क्रेडिट कोर्स मिलता है सेमेस्टर 1 में। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लद्दाख में इंप्लीमेंट हो चुका है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में सारे बच्चे एनरोल्ड हैं जो नहीं हैं मेरे ख्याल से उनको इस साल एनरोल करेंगे बिकॉज ये मैंडेटरी है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने ऑलरेडी इशू कर दिया है। सेकेंड है मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी मुझे लगता है मॉडलिटीज़ बन रही हैं यानी कि ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं। जैसे आपने करगिल में GDC करगिल में अगर आपने हिस्ट्री का कोर्स किया फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में आप चाहते हैं कि जियोलॉजी करना तो आप लोगों को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप EGM जाएं या किसी और कॉलेज जाएं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के अंडर जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ जाकर एक दूसरा कोर्स स्टार्ट करें। तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट एक फैसिलिटी है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पॉलिसी दरा मौस पर मैम फिर संग मीडिया एग्रीडेटेड जर्नलिस्ट युद्ध खान लदी नम सकपाल दंचा जिन सर्दी के गसुख सलाशिक बने ना। देखिए आप कह रहे हैं शायद जर्नलिस्ट वेलफेयर की बात कर रहे हैं। देखिए जर्नलिस्ट वेलफेयर का हमने पॉलिसी बाकी सब स्टेट्स का बड़े ध्यान से पढ़ा उसमें कुछ इश्यूज हैं जैसे क्या ऑफर किया जाता है। एक तो हम एक्रेडिटेशन देते हैं एक्रेडिटेशन का मतलब है कोई भी फंक्शन हो ऑफिशियल फंक्शन है वहाँ पे एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट आ सकते हैं विच इज़ जो अभी हो रहा है ऑलरेडी। उसके बाद कुछ मेडिकल कवरेज रहता है। अब लद्दाख में आप देखिए हर इंडिविजुअल को सहूलियत है फैसिलिटी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वो कवर्ड है सर्विसेज हैं तो वहाँ पर ये इतना ज़्यादा हमें लगा कि उसकी रिक्वायरमेंट ऐसा है नहीं। बाकी आपके पास वेरियस मिशंस है जिसके अंडर आपका कवरेज होता है इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होता है वो ऑलरेडी है। उसके बाद हाउसिंग की फैसिलिटी कई जगह दी जाती है कई स्टेट्स में। अब लद्दाख में अभी तक हमारा गवर्नमेंट हाउसिंग का सिस्टम अभी तक इतना सेटअप हुआ नहीं है। जब हमारा गवर्नमेंट हाउसिंग सिस्टम तैयार हो जाएगा क्योंकि अभी देखिए गवर्नमेंट के लिए हमारे पास सेक्रेटेरिएट में भी जो ऑफिसर्स हैं प्राइवेट घरों में रह रहे हैं तो करगिल में भी मुझे लगता नहीं अभी इतना हमारे पास गवर्नमेंट अकोमोडेशन का स्पेस है। एक बार अगर हम लोगों का सेटअप तैयार हो जाए उसके बाद हम लोग ये सजेस्ट भी करेंगे कि गवर्नमेंट हाउसिंग पूल में जर्नलिस्ट को कुछ प्रेफरेंस मिले। जनरली ये दो स्कीम्स कवर की जाती हैं जो बाकी स्टेट के जर्नलिस्ट बेनिफिट पॉलिसी में बस यही दो चीज़ें मुझे नज़र आए जो स्पेशल है। बाकी इसके अलावा जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं जर्नलिस्ट के लिए उनका कहीं हम लोग जैसे इस बार लास्ट ईयर हम लोगों ने उनको गोवा भी भेजा था कवरेज के लिए तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सचेंज प्रोग्राम्स वो तो हम करते रहेंगे। Okay, thank you. So nice.